जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग IUPAC नॉमिनेटर को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने IUPAC नॉमिनेटर का रूल के बारे में पढ़ा और इसका फर्स्ट रूल देखा हम लोगों ने, सिलेक्शन ऑफ मैन चैन। यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैन चैन के सिलेक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, फिर आगे इसको देखना स्टार्ट करें, है ना। इसके सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैन चैन में कार्बन के काउंटिंग के बारे में, यानी काउंटिंग ऑफ कार्बन इन मैन चैन, कि मैन चैन में जो कार्बन है उसे काउंट कैसे करेंगे हम, तो इसके बारे में समझेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। जनरली कार्बन को काउंट करने का 5 से 6 रूल 7 रूल 8 रूल इस तरह से लिखाए जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कार्बन के काउंट का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैन चैन में कार्बन को आसानी से काउंट कर पाओगे। तो उस ट्रिक को देखेंगे, उसे आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर भी कह सकते हो, ये ट्रिक देखेंगे, या फिर इसे आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। तो सब लोग ट्रिक को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को देखना है जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कहीं फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे आप मिनिमम स्थान दो। कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम स्थान देना है। उसके बाद आप लोग देखना कि कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप के बाद आएंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे मिनिमम स्थान दें। उसके बाद देखना है आप लोगों को ब्रांच देखना है। इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बाद क्या देखना है, ब्रांच देखना है, यानी कि ब्रांच को मिनिमम स्थान देना है। आप लोग ध्यान देना है इस बात पर कि ब्रांच 2 प्रेजेंट हो और दोनों ब्रांच सेम पोजिशन पर स्थित हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसी की ओर से आप लोग काउंटिंग कर दोगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसी की ओर से जो कार्बन है उस कार्बन को काउंट कर देना है। अब इसका एक कंडीशन आप लोग याद रखना, ये इसका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, अगर दोनों का पोजीशन डिफरेंट हो तो देखना कि जो पहले आ रहा उधर से काउंट कर दो, लेकिन जब दोनों का पोजीशन सेम हो तो रेस करवा दो, यानी कि इन दोनों को दोहरा दो, एक सेम स्थिति पर रख करके इन दोनों को दोहरा देना है। दोहराने का मतलब है कि जब एक मोटे और पतले इंसान को दोहराया जाए तो आप लोग कह सकते हो कि जो मोटा इंसान है वो पीछे रह जाएगा और पतला इंसान आगे बढ़ जाएगा, रेस में पतला इंसान जीत जाएगा। इसलिए जनरली ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पतला इंसान ही जीतेंगे, जनरली कह रहे हैं कि जब मोटे और पतले को समान स्थिति पर रख करके दौड़ाया जाए तो ये पतला जो है ना वो जीत जाएगा। इसलिए जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का स्थिति सेम हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को उस तरफ से काउंट करना है जिस तरफ से डबल बॉन्ड को मिनिमम स्थान प्राप्त हो, है ना, इसको भी ख्याल में रखेंगे। तो ये रहा कार्बन की काउंटिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये इस तरह से कार्बन है बहुत सारे। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हो कि ये कंपाउंड है, ये कार्बन है इसमें, तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर को देखो, फिर इस लेक्चर को आगे देखना स्टार्ट करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक ब्रांच है। अब इसमें हमें कार्बन को काउंट करना है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो ब्रांच देखो, ये वाला जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच आ जाएगा 1 2 3 4 5 नंबर पर, लेकिन इधर से काउंट करते तो 1 और ये 2 नंबर पर आ रहा है। ब्रांच को सबसे पहले, ये देखो ब्रांच है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या देखना है, ब्रांच देखना है। ब्रांच देखो इधर से दूसरा स्थान पर आ रहा है, इसलिए इधर से ही काउंटिंग कर देंगे, ये पहला रहा, एकदम सिंपल सा आसान सा। लेकिन ब्रांच का संख्या जब 2 दिया रहे, ब्रांच का संख्या 2 दिया रहे, उस कंडीशन में क्या करूँ, ब्रांच का संख्या यहाँ देखो 2 है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल दिया हुआ है, 2 ब्रांच है, तो इस कंडीशन में हमें देखना है कि किधर से ब्रांच निकट आ रहे हैं। जिस तरफ से ब्रांच निकट आएंगे काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे। अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 तीसरा नंबर पर ब्रांच आ रहा है, लेकिन इधर से काउंट करें तो 1 और ये 2 नंबर पर ब्रांच आ रहे हैं, इसलिए काउंटिंग हम इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से काउंटिंग कर दिए। सी नंबर देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये इस तरह से, ये यहाँ पर हम जोड़ देते हैं CL और यहाँ पर जोड़ देते हैं मिथाइल समूह,
इसमें भी काउंटिंग किधर से करोगे, जिस तरफ से ब्रांच निकट आएंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि ये एक और ये दो, दो नंबर पर ब्रांच है तो इस काउंटिंग इधर से कर देंगे। लेकिन आप लोग एक बात पर ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन को जोड़ देते हैं, ब्रोमीन, अब काउंटिंग किधर से करोगे? आप देख रहे हो कि इधर से ब्रांच कितने नंबर पर, एक, और ये दो नंबर पर। इधर से काउंट करते हैं तो इधर से ब्रांच कितने नंबर पर, दो नंबर पर। जब दो ब्रांच का पोजीशन सेम हो तो आप लोगों को क्या देखना है, पहले नेक्स्ट ब्रांच को देखना, नेक्स्ट ब्रांच। अब इन दोनों का ब्रांच का पोजीशन सेम है तो नेक्स्ट ब्रांच देखेंगे, नेक्स्ट ब्रांच चाहिए। अब इसका पोजीशन देखिए, इधर से काउंट करते तो एक दो तीन चार नंबर पर, लेकिन इधर से काउंट करोगे तो एक दो और ये तीन नंबर पर। तो दो ब्रांच को पहले देख लिए, दोनों का पोजीशन सेम है, इसलिए अब नेक्स्ट ब्रांच को देखेंगे। नेक्स्ट ब्रांच इधर से तीन नंबर पर आ रहे हैं और इस राइट साइड से आ रहे हैं चार नंबर पर, लेफ्ट साइड से तीन नंबर पर, इसलिए इधर से काउंटिंग कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ब्रांच जो है ना इधर से निकट आ रहे हैं। तो वन टू थ्री फोर और ये फाइव और ये सिक्स, इधर से काउंटिंग हो जाएगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल को देखते हैं, नेक्स्ट ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर डी, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर सी एल लिखा हुआ है, यहाँ पर बी आर लिखा हुआ है, ये दो ब्रांच है, इसका नाम है क्लोरो, जो कि आप लोगों को पहले से ही मालूम होना चाहिए, और इसका नाम है ब्रोमो, ब्रोमो नाम है इसका, ब्रोमो, ये क्लोरो और ये ब्रोमो। जब इधर से काउंट करते हैं तो ये देख रहे हो क्लोरो दो नंबर पर आ रहे हैं, इधर से काउंट करते हैं तो ब्रोमो कितने नंबर पर आ रहे हैं, दो नंबर पर आ रहे हैं। दोनों तरफ से ब्रांच का पोजिशन सेम है, और जब दोनों तरफ से ब्रांच का पोजिशन सेम हो जाए तो आप लोग क्या देखोगे, तो देखो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। जब दोनों तरफ से ब्रांच का पोजीशन सेम हो तो देखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए अब इसलिए हमें देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो ये ब्रोमो का भी पहले आता है और क्लोरो का सी बाद में आता है, इसलिए काउंटिंग इधर से कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, काउंटिंग इस तरफ से होगा। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, नेक्स्ट ये ब्रांच बी आर रहा, यहाँ पर एक डबल बोन दे दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो काउंटिंग, आप लोग सोचोगे कि इधर से ब्रांच नहीं कटा रहे तो काउंटिंग यहाँ से करते हैं, लेकिन आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान से देखते हैं तो ब्रांच से ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, तो डबल बोन या ट्रिपल बोन का। यानी जब डबल बोन या ट्रिपल बोन आ जाए तो ब्रांच को हमें देखना ही नहीं है, उस कंडीशन में डबल बोन या ट्रिपल बोन को मिनिमम स्थान देना है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें एक डबल बोन है, डबल बोन प्रेजेंट है, तो इस डबल बोन को हमें मिनिमम स्थान देना पड़ेगा, इस डबल बोन को। इधर से काउंट करते हैं तो एक दो तीन चार नंबर पर डबल बोन आ रहा है, लेकिन यहाँ से काउंट करोगे तो वन टू दो नंबर पर आ रहे हैं, इसलिए काउंटिंग इधर से किया जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हो गए, तो इधर से काउंटिंग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एफ नंबर, ये इस तरह से यहाँ पर दे रहे हैं डबल बोन्ड और यहाँ पर हम दे रहे हैं ट्रिपल बोन्ड। अब काउंटिंग किधर से करोगे, यहाँ से काउंट करें तो एक दो, दो नंबर पर ट्रिपल बोन्ड आ रहे हैं, इधर से काउंट करें तो एक और ये दो, दो नंबर पर डबल बोन्ड आ रहे हैं। अब यहाँ भी दो नंबर और यहाँ भी दो नंबर, अब दोनों का पोजिशन सेम है तो रेस करवा दें, मोटे और पतले का रेस करवाना है तो आप लोग कह सकते हो कि ये पतला ही जीतेगा, जनरली कह सकते हैं कि ये पतला जीतेगा, इसलिए काउंटिंग कर देंगे पतले की ओर से। तो वन टू थ्री फोर, ये रहा फाइव और ये रहा सिक्स, ये काउंटिंग हो जाएंगे। अगला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट ये इस तरह से, यहाँ पर हम डबल बोन्ड दे, ट्रिपल बोन्ड दे रहे हैं और यहाँ पर दे रहे हैं डबल बोन्ड। अब आप लोग देखो कि किधर से डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड निकट आ रहे हैं, जिस तरफ से डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड निकट आ जाएंगे उधर से ही काउंट करोगे। इधर देखो ट्रिपल बोन्ड जो है ना एक दो नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन इधर से देखें तो डबल बोन्ड एक दो और ये तीन नंबर पर आ रहे हैं। ये जब राइट साइड से काउंट करते हैं तो डबल ट्रिपल बोन्ड यानी मल्टीपल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड को मिनिमम स्थान प्राप्त हो रहा है, किसकी अपेक्षा, तो डबल बोन्ड की अपेक्षा, इसलिए हम काउंटिंग इधर से कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स और ये सेवन हो जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देना कि इसमें दोनों डबल बोन्ड और ट्रिपल बोन्ड दोनों का पोजिशन सेम है तो रेस करवा दिए, पतला जीतेगा, इसलिए इस तरफ से काउंट कर दिए, ये काउंटिंग का तरीका हुआ। और भी एग्जाम्पल देखिए, और भी कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कितना नंबर हो जाएगा जी, एच नंबर देखेंगे, ये इस तरह से यहाँ पर एक ब्रांच दे दे रहे हैं बी आर, यहाँ पर एक दे दे रहे हैं सी एल, यहाँ पर ये आप लोग डबल बोन्ड दे, ट्रिपल बोन्ड दे दो, ये इस तरह से। अब काउंटिंग किधर से करोगे, अब काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो वन टू थ्री, तीन नंबर पर डबल ट्रिपल बोन्ड आ रहे हैं, इधर से काउंट करते हैं तो वन टू और ये
3, 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। दोनों तरफ से काउंट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड जो है ना 3 नंबर पर ही आ रहे हैं। तो आप लोग सोचोगे कि सर किधर से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान से देखें। जब ब्रांच इधर देखें, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमें क्या देखना है, ब्रांच देखना है। आप लोग इसमें ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर, ये ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। इधर से भी 1, 2, 3 नंबर पर, इधर से भी 1, 2 और ये 3 नंबर पर आ रहे हैं। इसलिए अब देखना हमें ब्रांच को। अब ब्रांच को काउंट करिए तो इधर से कितने नंबर पर, 1, 2 नंबर पर, और इधर से काउंट करेंगे तो ये भी 2 नंबर पर आ रहे हैं। दोनों तरफ से ब्रांच का भी पोजिशन सेम, दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजिशन सेम। अब क्या करें, तो नेक्स्ट रूल आप लोग देखो कि जब ब्रांच का पोजीशन सेम हो तो हमें क्या देखना है, तब हमें देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ब्रांच का पोजीशन सेम हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो जो पहले आएगा काउंटिंग उधर से ही कर देंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो ये रहा ब्रोमो, ये रहा क्लोरो। अब ब्रोमो का बी पहले आता है सी से, क्लोरो के सी से ब्रोमो का बी पहले आता है, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन होगा, काउंटिंग उस तरफ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आई नंबर, ये इस तरह से, ये एक कंपाउंड रहे, इसमें हम दे देते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर दे देते हैं बी आर और यहाँ पर दे देते हैं हम ओ एच, ओ एच ये। अब काउंटिंग किधर से करो, तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये ओ एच समूह है और ये है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी को दिया जाता है। जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी इसी का सबसे ज़्यादा होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप को हमें मिनिमम स्थान देना है। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ से इधर से काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर आ रहा है, लेकिन इधर से काउंट करें तो 1, 2 नंबर पर आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चौकार बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसमें आप लोग देखो कि यहाँ पर ओ एच जोड़ दिए, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हम दे दिए ये डबल बॉन्ड दे दिए और यहाँ पर एक ओ एच जोड़ दिए ये, और यहाँ पर एक ब्रांच ले लेते हैं बी आर। चलो यहाँ पर नहीं लेते हैं ब्रांच, थोड़ा सा आप लोगों को अब कन्फ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ब्रांच ले लेते हैं, यहाँ पर बी आर जुड़ा हुआ है। अब काउंटिंग किधर से करो, यहाँ पर नहीं जोड़ दे, हम ब्रांच को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, ये बी आर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब काउंटिंग किधर से करोगे करके बताओ, ये काउंटिंग किधर से करोगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि दो ओ एच समूह जुड़े हुए हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें इस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम स्थान देना है। इधर से काउंट करें तो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं 2 नंबर पर, ये 1 और ये 2। इधर से काउंट करें तो 1 और ये 2, 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन सेम, तो किधर से काउंट करो। तब नेक्स्ट देखिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, यानी हमें देखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किधर से निकट आ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम, अब डबल बॉन्ड को देखना है। ऐसा नहीं कि आप ब्रांच को देख लेना, अगर ब्रांच को देखोगे तो यहाँ ये 1 नंबर पर ही ब्रांच आ रहे हैं, तो इसे नहीं देखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है, डबल बॉन्ड, यानी प्रायोरिटी ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड का, इसलिए हमें डबल बॉन्ड को मिनिमम स्थान देना है। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो देखो कि डबल बॉन्ड आ रहे हैं 2 नंबर पर, लेकिन इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3 नंबर पर, इसलिए हम इस तरफ से काउंट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को मिनिमम स्थान मिलना चाहिए। तो ये काउंटिंग, ये इस तरह से काउंट करेंगे, 5 कार्बन हो गए, ये रहेगा। नेक्स्ट देखना के नंबर, इसमें आप कार्बन को काउंट करो, इसमें कार्बन को काउंट करो, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं ओ एच, यहाँ पर जोड़ दिए हम ये, यहाँ पर जोड़ दिए ओ एच, यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये रहा डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये रहा डबल बॉन्ड, रुको एक मिनट, एक मिनट, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर ये रहा डबल बॉन्ड। अब किधर से काउंट करोगे, अब आप लोग यहाँ से काउंट करोगे कि यहाँ से काउंट करोगे, काउंट करके देखते हैं। ये 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ से काउंट करें तो 1, 2 और ये 3, 3 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आते हैं, इसलिए हम फंक्शनल ग्रुप को ही देख रहे हैं। इधर से 1, 2 और 3 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, इधर से 1, 2, 3 नंबर पर, इधर से भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं।
और फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन सेम है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। आप लोग देख रहे हो कि डबल बॉन्ड इधर से एक और ये दो नंबर पर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखें तो डबल बॉन्ड एक और एक ही नंबर पर आ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पर आ रहे हैं, तो इसलिए काउंटिंग इधर से हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये 7, काउंटिंग उस तरफ से हो गया। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन सेम तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। अब इन दोनों को देखें तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं तो इधर से हम काउंट करते हैं, अगर दोनों का पोजीशन सेम होता तो डबल बॉन्ड जीतता तो इधर से काउंट कर देते हम, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड निकट आ रहे हैं इसलिए इधर से काउंट कर दिए। तो ये काउंटिंग का तरीका हुआ। कुछ और एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल कि इसमें काउंटिंग आप कैसे करोगे करके बताओ। ये एक साइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं, इसमें आप लोगों को कार्बन काउंट करने, ये Cl लिख दिए, यहाँ पर लिख देते हैं Br और यहाँ पर लिख देते हैं हम डबल बॉन्ड ClBr, हाँ डबल बॉन्ड लिख दिए। अब काउंटिंग किधर से करोगे, अब करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग के रूल में आप लोग देख, इसमें ब्रांच आ रहे हैं और डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड जो है ना, इसको मिनिमम स्थान मिलने चाहिए डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड को मिनिमम स्थान देना है आप लोगों को, तो यहाँ से भी मिनिमम स्थान दिया जा सकता है, एक और ये दो नंबर पर। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो डबल बॉन्ड को देखो मिनिमम स्थान प्राप्त हो रहा है, एक और ये दो नंबर प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से काउंट करने पर एक दो नंबर पर क्लोरीन आ रहा है, और यहाँ से काउंट करते हैं तो एक नंबर पर ही क्लोरीन आ रहा है। अब इसका हम दो कंडीशन बताते हैं, दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, दोनों कंडीशन को ध्यान से देखना। यहाँ पर Cl लिखा हुआ है, सेम ले रहे हैं भाई, Br लिखा हुआ है। हम पहले यहाँ से काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ से देख लो ब्रांच को एक नंबर मिल रहा है। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब कौन सा काउंटिंग सही होगा, कौन सा गलत होगा, इसका आप लोगों को सिलेक्शन करना है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से ब्रांच निकट आ रहे हैं, यहाँ से ब्रांच जो है ना दो नंबर पर आ रहे हैं, यहाँ से एक नंबर पर ही और यहाँ से दो नंबर पर आ रहे हैं। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको जानने के लिए आप लोगों को लोएस्ट सम रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल का प्रयोग करोगे आप लोग। लोएस्ट सम रूल में चेक क्या करना है कि आप लोग देख रहे हो कि डबल बॉन्ड को तो एक नंबर यहाँ से भी मिल रहा है, एक नंबर यहाँ से भी मिल रहा है। अब आप लोगों को ब्रांच को देखने हैं। अब ब्रांच देखो यहाँ एक नंबर पर और यहाँ ये वाला कितना नंबर पर, क्लोरीन एक नंबर पर और ये ब्रोमीन 6 नंबर पर। अब एक और 6 को जोड़ दें तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 7। एक और 6 को जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 7, यानी इन ब्रांच के पोजीशन को ऐड कर दिए तो 7 आ गए। यहाँ जो ब्रांच प्राप्त हुए, ब्रांच का पोजीशन प्राप्त हुआ, उनको ऐड करके देखो तो ये 2 और ये 3, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वैल्यू आ गया 5, 2 और 3 को ऐड करने पर वैल्यू कितना आ गया, 5। अब जिसमें देखो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें ब्रांच के पोजीशन का ऐड, ब्रांच के पोजीशन को ऐड करने पर जिसका वैल्यू कम आ जाए, काउंटिंग वही सही होगा। यहाँ पर 2 और 3 5 आ रहे हैं, यहाँ 1 और 6 7 आ रहे हैं, इसलिए ये काउंटिंग गलत हो जाएगा और ये काउंटिंग सही हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। तो ये नीचे वाला काउंटिंग सही है और ऊपर वाला काउंटिंग गलत है। तो ये रहा सेकेंड स्लाइड जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। कुछ और इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं थर्ड स्लाइड। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर M हो जाएगा ये इस तरह से। अब इसमें कैसे, इसमें और फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड के साथ O जुड़े हुए हैं और O के साथ जुड़े हुए हैं H। ये कार्बन है, ध्यान देना। अगर इसके बारे में आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो पिछले दोनों लेक्चर को देखो ध्यान से, उसके बाद आप समझ पाओगे। ये कार्बन है, यहाँ पर हम दे देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर दे देते हैं ब्रांच ये इस तरह से, और इसमें आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर इसके साथ जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड को। अब कार्बन को कैसे काउंट करोगे, कार्बन को आप लोग काउंट यहीं से स्टार्ट करना क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, और जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको देखिए, जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी अदर फंक्शनल ग्रुप का ही ज़्यादा होता है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का ही ज़्यादा होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप ये रहा और इसमें एक कार्बन भी है और इसको मिनिमम स्थान देना है, तो इसको नंबर 1 पोजीशन दे दिए, मिनिमम स्थान हो गया।
उसके बाद ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सर आगे जाएं कि नीचे आएं। आप आगे जाओगे गलत हो जाएगा, पांच और ये छह मत कर देना, क्योंकि ये मैन चेन होगा ही नहीं। मैन चेन नीचे आओगे तब प्राप्त होगा। इस मैन चेन में कार्बन का संख्या छह नहीं है, पांच है। अगर इस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हो तो पिछले लेक्चर को देख लो। डबल बॉन्ड को मैन चेन में 100% शामिल करना ही है। अब दो डबल बॉन्ड रहते हैं, मैन चेन में शामिल कर दिए तो काउंटिंग ये रहा। अब एक और एक दो और एग्जांपल देख लेना। ये इधर देख, एम एन नंबर एग्जांपल, ये इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इसमें ये डबल बॉन्ड के साथ ओ रहा और ओ के साथ जुड़ा हुआ है सी एच थ्री एस्टर। यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ओ जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रहा, ये नीचे में डबल बॉन्ड, ये इस तरह से। अब कार्बन का काउंटिंग कैसे करोगे, कैसे करोगे कार्बन का काउंटिंग? तो देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये है एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर कौन सा है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यह है एस्टर। इसमें काउंट करें तो इससे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिनिमम स्थान देना, तो एक नंबर स्थान दे दिए। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे तो दो होगा। आप आगे तीन तक जाओगे, तीन चार पाँच छः तक जाओगे क्या? नहीं। इसमें आप लोग देख रहे हो कि आगे बढ़ते तो ये डबल बॉन्ड छूट जा रहा है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। तो मैन चेन में कार्बन का संख्या हो गया, ये रहा मैन चेन और ये रहा कार्बन का काउंटिंग, ये इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि कार्बन की काउंटिंग का रूल आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब चूंकि स्लाइड में जगह बाकी है, इसलिए हम इसके कुछ और टॉपिक को ऐड कर देते हैं, है ना। नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए और भी टॉपिक को ऐड कर देते हैं। जैसे इसका तीसरा रूल है, तीसरा रूल कि जब आप लोगों को लोकेंट दिखे, यानी कि नंबर दिखे, संख्या दिखे, इसको आप लोकेंट्स भी कह सकते हो, लोकेंट्स ये दिखेंगे। और इसके बाद यदि अल्फाबेट हो, लोकेंट के बाद क्या हो? अल्फाबेट। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग करें। लोकेंट यानी नंबर, कॉमा नहीं, हाइफन का प्रयोग करें। नंबर यानी लोकेंट्स एवं अल्फाबेट के बीच, के बीच हाइफन, के बीच हाइफन, ये इस तरह से हाइफन का प्रयोग करें, हाइफन का प्रयोग करें। पहला नंबर पॉइंट। इसका एग्जांपल भी कुछ देख लेना। जैसे आपको लिखा लिखा हुआ मिल जाए टू क्लोरो, तो टू ए नंबर है और क्लोरो का सी अल्फाबेट है, तो दोनों के बीच में हाइफन हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों को लिखा हुआ मिल सकता है थ्री साइक्लो, थ्री साइक्लो पेंटेन, तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि थ्री के बाद सी आर आई अल्फाबेट है, तो इन दोनों के बीच में हाइफन हो गया। नेक्स्ट रूल देखिएगा, चौथा नंबर। दो लोकेंट्स हो यानी दो नंबर हो, तो दो नंबर को आप लोग हमेशा एक कॉमा के द्वारा अलग करोगे। यानी दो नंबर को, दो संख्याओं को, दो नंबर को कॉमा, कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। दो नंबर को कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। दो नंबर रहेंगे तो उसे किसके द्वारा अलग करोगे? कॉमा के द्वारा अलग करोगे, कॉमा के द्वारा। जैसे यहाँ पर आप लोगों को लिखा मिल जाए टू कॉमा टू डाइक्लोरो, टू कॉमा टू डाइक्लोरो, तो यहाँ देखो दो नंबर आ रहे हैं ना, दो नंबर, तो दोनों के बीच में क्या दिया गया? कॉमा दिया गया। तो जो नंबर आएंगे ना, दो नंबर आएंगे, तो हमेशा आप लोगों को किसका प्रयोग करना है? कॉमा का प्रयोग करना है। जैसे आप लोगों को मिल जाए वन वन थ्री फाइव, उसके बाद ये टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो ये मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हो कि चार चार नंबर है। इन सभी को हमें अलग अलग लिखने हैं, तो इन सब को अलग करोगे कॉमा के द्वारा। वन कॉमा वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव, चार हैं तो टेट्रा, उसके बाद क्लोर लिखते हैं। तो दो नंबर जो होंगे ना, उन नंबर को किसके द्वारा अलग करते हैं? तो कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। पाँचवा रूल देखेंगे। आप लोगों को कभी भी नॉर्मल दिख जाए, नॉर्मल लिखा हुआ, जिसको शॉर्टकट में एन लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों को सेकेंडरी लिखा हुआ मिल जाए, सेकेंडरी जिसको एस ई सी सेक लिखा हुआ मिल जाए आप लोगों को, सेक, एवं टर्सियरी लिखा हुआ मिल जाए, टर्सियरी जिसको शॉर्टकट में टर्ट लिखा जाता है इस तरह से, टर्सियरी,
टर्शरी जो है ना, इसके बाद के बाद या फिर अल्फ़ाबेट हो, इसके बाद क्या हो, अल्फ़ाबेट हो, तो के तुरंत बाद, के तुरंत बाद, तुरंत बाद हाइफ़न का प्रयोग करें, के बाद हाइफ़न का प्रयोग करें। यानी नंबर नॉर्मल लिखा हो, एन लिखा हो, सेकेंडरी से एस ई सी लिखा हो, सेक लिखा हो, एवं टर्शियरी आप लोगों को देखने को मिल जाए, तो इसके बाद किसका प्रयोग करना है, इसके बाद आप लोगों को हाइफ़न का प्रयोग करना है। इस तरह से नेक्स्ट रूल देखेंगे, ये चार रूल हो गए, पांच रूल हो गए, छठा रूल देखेंगे सब लोग, सिक्स रूल। छठा रूल में क्या है, तो जब भी आप लोगों को न्यू लिखा हुआ मिले, आइसो लिखा हुआ मिले, या फिर आप लोगों को साइक्लो लिखा हुआ मिले, तो इन्हें अल्फाबेट से अलग नहीं करते हैं। साइक्लो ETC को अल्फाबेट से अलग नहीं करते, इन्हें अल्फाबेट से आप कभी भी अलग मत करना, अल्फाबेट से इन्हें अलग नहीं करोगे। अब दोनों का एग्जांपल एक साथ देख लीजिएगा, जैसे आप लोगों को मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो आप लोग देख रहे हो सेकेंडरी के लिए सेक लिख दिए और ब्यूटाइल हो गया, तो सेकेंडरी और ये जो अल्फाबेट है ना, इन दोनों के बीच में क्या दिया गया है, हाइफन दिया गया, या यूं कहें कि सेक के तुरंत बाद हाइफन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आप लोगों को ये भी लिखा मिल सकता है टर्शियरी पेंटाइल, तो इसमें आप लोग देख रहे हो टर्शियरी टर्ट लिखा गया शॉर्टकट में, इसके तुरंत बाद हाइफन का प्रयोग किया गया, उसके बाद पेंटाइल का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से आप लोगों को लिखा हुआ मिल सकता है न्यू पेंटाइल, तो आप लोग देख रहे हो न्यू जो है ना, इसके जस्ट बाद एक अल्फाबेट आ रहा है, लेकिन इसको जो हम लोग अल्फाबेट से अलग करते ही नहीं है, अल्फाबेट के साथ लिखा जाता है, ये न्यू को अल्फाबेट के साथ लिखा जाता है, इसको हाइफन या कॉमा के द्वारा अलग नहीं किया जाता है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, ये आइसो ब्यूटाइल, इसके बाद हाइफन का प्रयोग नहीं किए हम। इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो नॉर्मल ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, तो इसमें देखो एन के बाद हाइफन का प्रयोग किया गया है ना। तो ये छह रूल रहे, इसमें एक और रूल है जिसकी जानकारी भी हम आप लोगों को अभी दे देते हैं, वो है IUPAC नेमिंग का ट्रिक, जिसका विस्तार से चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब IUPAC नेम का जो ट्रिक है मैं अभी लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को बेहतर ढंग से समझना है तो इस ट्रिक को याद करके नेक्स्ट क्लास को करना। ट्रिक क्या होता है, तो IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले लिखते हैं 2° prefix, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, 2° prefix का, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1° prefix के बाद लिखोगे आप लोग अल्क, जिसको आप लोग वर्ड रूट कहते हो, अल्क का प्रयोग करोगे, यानी वर्ड रूट का प्रयोग करोगे, वर्ड रूट के बाद लिखोगे 1° suffix और सबसे अंत में लिखोगे 2° suffix। ये हो गया IUPAC नेमिंग का ट्रिक, IUPAC नेमिंग का ट्रिक ये रहा, और इसी ट्रिक से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को आसानी से लिख सकते हो। इसमें आप लोगों को थोड़ा हम हिंट्स दे दें कि इस 2° prefix का प्रयोग किया जाता है ब्रांच के लिए, किसके लिए करते हैं, ब्रांच के लिए करते हैं। इस 1° prefix का प्रयोग करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए 2° prefix का प्रयोग किसके लिए, तो ब्रांच के लिए। इसके अल्क का प्रयोग करते हैं, इस वर्ड रूट का प्रयोग करते हैं कार्बन की संख्या को बताने के लिए हम लोग अल्क वर्ड का प्रयोग करते हैं। इस 1° suffix का प्रयोग करते हैं सेचुरेशन को जानने के लिए, कि दर्शाने के लिए कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है, यानी हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बताने के लिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो एन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से 2° suffix का प्रयोग करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए, यानी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो 2° prefix का प्रयोग करें, अन्यथा 2° prefix का प्रयोग न करें।
तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का 7 रूल, जिसमें से ये जो 7वां रूल है, इस रूल का प्रयोग हम लोग इस रूल का विस्तार से चर्चा करेंगे। यार तुम लोग कहाँ गए, क्या चाहिए क्या? अच्छा ठीक, ये जो 7वां रूल है ना, इस 7वें रूल का चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक कुछ दोस्त आ गए, उनसे मिल लें और आप लोग पढ़ाई करते रहें, इंजॉय लेते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहें, बाय। जय हिंद, जय हिंद बोल दें। हाँ जय हिंद, दोस्त कह रहा है जय हिंद बोलने को। जय हिंद।